नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शक्तिपीठ मां मंगला गौरी में सतचंडी महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भव्य कलश यात्रा सैकड़ों महिलाओं और बहनों के साथ कीर्तन भजन करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुक्मणी तालाब से कलश में जल लेकर रुक्मणी माड़नपुर विष्णुपद चांद चौरा होते हुए पुनः मंगला गौरी कथा स्थल में कलश स्थापित कर शुभारंभ किया गया। वही आयोजनकर्ता शक्तिपीठ के महंत लखन गिरी ने कहा कि लोक कल्याण की कामना से यज्ञ किया गया है। वही कथावाचक आचार्य गौरव कृष्ण पाठक जी के द्वारा श्रीमद देवी भागवत कथा का वाचन संध्या 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाएगा। वही महंत आकाश जयदेव गिरी ने बताया श्री राम जानकी मंदिर निर्माण कार्य को लेकर श्रीमद देवी भागवत कथा अनुष्ठान का आयोजन कर क्षेत्र को भक्तिमय माहौल में परिवर्तित कर दिया गया है। वही शालिनी वर्णवाल ने आसपास के लोगों से अनुरोध किया है श्रीमद देवी भागवत कथा का अनुसरण करने के लिए आए और अपने मन को शांति बनाए। श्रीमद देवी भागवत का अनुष्ठान दिनांक 27 जून से 29 जून तक संध्या 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले 5 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ के अंतिम दिन 1 जुलाई को हवन पूर्णाहुति श्रीमद देवी भागवत कथा महापुराण यज्ञ के पश्चात सामूहिक सहयोग से प्रसाद वितरण का भंडारा सुसंपन्न होगा। आज से माँ मंगलावारी में आज से कलश यात्रा निकाला गया। 5 दिन का ये प्रोग्राम रखा गया है जो जिसमें आज से कलश यात्रा है। शाम से 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये होगा। 27 तारीख को कल से वो वेदी पूजन है, अन्न है, अन्न में डाला जाएगा भगवान जी को। 28 तारीख को पूर्ण प्रतिष्ठा है माँ मंगलावारी माँ शक्तिपीठ का और बजरंग बली का। श्री राम मंदिर का प्रतिष्ठान होने जा रहा है यहाँ पे, यहाँ माँ मंगलावारी में। यहाँ यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ पे सब लोग जुटें, बहुत अच्छे तरीके से पूरा फैलाया जाए यहाँ की। यहाँ पे वो भोजन भंडारा भी लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही महिमामय स्थान क्योंकि गया जी स्थित क्रिकेट स्थान है। हम सभी युवाओं के द्वारा और गया नगर वासियों के सहयोग से भगवती की सप्तचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। महायज्ञ का विभिन्न आयोजन किया गया जिसके दौरान भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये शीघ्र भगवान से कामना करते हैं कि भव्य राम मंदिर बनकर इतना निर्माण पूर्ण होता है और यज्ञ में हमारे सारे भाई बंधु माता बहनी यह नगर क्षेत्र की सारी जनता श्रद्धालु हैं। कार्यक्रम में जैसे चंडी पाठ है या 7 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें अंधाधिवास भगवान का वास होता है, जन्म उनकी शुद्धि होती है, अग्नि के दौरान उनका आवाहन किया जाता है, होम होती है, लोगों के कामना का सिद्धि होती है और पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याओं का दिन पूर्णा की जाएगी और यज्ञ का यज्ञ जो है होम हवन होते हैं उसके पूर्णाहुति के साथ भंडारा का भव्य आयोजन होगा एवं मातृस्वरूप कुमारी कन्याओं का आशीष का प्राप्ति कामना का पूजा किया जाएगा। प्रांगण जो है शक्तिपीठ से प्रारंभ किया गया जो कि पुराणिक क्षेत्र अपने ही तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत यह सरोवर है, उसकी जल की धारा एकत्रित की गई है। इस दौरान पद यात्रा में शामिल और कलश यात्रा में शामिल हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं और माताओं बहनों की सहयोग से इस यज्ञ में पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आज से 5 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। माँ त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी की प्राण प्रतिष्ठा है। आज जल यात्रा के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। अभी पंचांग पूजन इत्यादि के कार्यक्रम अभी प्रारंभ होगी। निरंतर 5 दिवसों तक एक एक करके जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, धूपाधिवास इत्यादि में हम लोग देवी देवताओं को स्थापित करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करके उनको पुनः स्थापित कर देंगे। संध्या के समय कथा का भी कार्यक्रम रखा गया है। 27, 28 और 29 3 दिन तक यहाँ संध्या 7 बजे से 10 बजे तक कथा का कार्यक्रम रखा गया है और बाकी सब श्रद्धालु लोग हैं हमारे।
अंतिम दिन क्या कार्यक्रम रखा गया है? अंतिम दिन यहाँ 30 तारीख को पूर्णा होती है और पूर्णा होने के बाद भंडारा का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु लोग और पूरे लगभग पूरे गया वासियों के लिए भंडारा का आयोजन है। और ऐसे भी यहाँ प्रतिदिन भंडारा का आयोजन संध्या के समय चलता रहेगा। अभी नवरात्रि का मौका चल रहा है, अवसर चल रहा है, और इस अवसर पर यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, क्या कहेंगे? अभी इसको गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त नवरात्रि में हम लोगों ने माँ देवी का यहाँ स्थापना का इसलिए रखा क्योंकि नवरात्र में देवी साक्षात प्रकट रहती हैं और उनकी कृपा अधिक बरसती है, इसलिए हम लोगों ने नवरात्रि को रखा। इस समय सबके मन में भक्ति का वातावरण बना हुआ रहता है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम गौरव कृष्ण माधव हुआ, मैं श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता हूँ और अन्य प्रभु कथा जी। सर्वप्रथम नमस्कार आप सभी गया वासियों को। बड़े अपार हर्ष के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 26 जून 2023 के दिन सोमवार को माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो आज कलश यात्रा था। कलश यात्रा सफलतापूर्वक जो है कर ली गई है, जो पुनः वापस माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ में आ गई। अब जो है वेदी पूजन होगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है जो 1 जुलाई तक को चलेगी। और मेरा आप सभी गया वासियों से, मंगला गौरी के जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, सभी से यह अनुरोध है कि भारी से भारी मात्रा में इस यज्ञ में शामिल हो और यश के भागी बने, माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।